Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. My name is Sachin and you're watching Sachin Plays Codem and मैं Warzone Mobile भी खेलता हूँ. तो ये मेस की स्किन इवेंट स्टोर में जो आई है वो इस वीक हम परचेज कर सकते हैं अगर आपने पुराने इवेंट्स कंप्लीट किए हैं तो. बिकॉज ये थर्ड वीक है, हर वीक में एक नया इवेंट आता है Warzone Mobile का. तो इस वीक का जो इवेंट है वो कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा. एंड लेट्स सी हाउ दिस मेस स्किन लुक्स in the game. So it will be in the last after Ghost and Snoop Dogg. So it's a very nice looking skin. Graphics are not good in this game, but what can we expect in the future? Nobody knows. चलिए friends, अब बात करते हैं event की. Event आपको कैसे complete करना है? तो आपको खेलना है BR match, any BR match. You can play any BR match. अभी फिलहाल मोबाइल रॉयल एंड प्लंडर एंड एक और नया आया है कैश बैक करके है, बाय बैक. तो उसमें आप अगर मरते हैं तो शायद $4,500 खर्च करके आप वापस रिस्पॉन हो सकते हैं. तो वो दोनों मैच 10 मिनट्स के हैं एंड प्लंडर मैच जो है ये 15 मिनट्स का. तो जितना लंबा मैच होगा उतना लंबा आपको वेपन EXP मिलेगी, आपकी रैंक EXP बढ़ेगी और बैटल पास EXP भी ज़्यादा मिलेगी जितना लंबा मैच होगा. तो मैं प्लंडर खेल रहा हूँ एंड इसमें वेपन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती. जो लोड आउट आप बनाओगे मरने के बाद सेम लोड आउट के साथ आप आओगे एंड इवन जब गेम स्टार्ट होगा स्पॉन भी आप अपने लोड आउट के साथ होगे. तो इसमें अगर आप इवेंट में जाके हाउ टू प्ले में जाएंगे तो उसमें तीन चीज़ें दी हुई हैं. एक है कि आप अगर किसी को मारते हैं किसी भी वेपन से एनिमी को उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, 200 इवेंट पॉइंट्स. एंड अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है रिकॉन वाला, ये मैं मैप पे मार्क करूंगा, ये रिकॉन, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है, बाकी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना. जैसे ही आप मैप पे उतरे या तो बंदे मारो या तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दो. रिकॉन में क्या करना है, जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करोगे आपके मैप पर एक लोकेशन आएगा, उस लोकेशन पर आपको जाना है. ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया, मेरे मैप पर लोकेशन आएगा, पीछे आ रहा है लोकेशन. तो उस लोकेशन पर मुझे जाना है एंड उसको सिक्योर करना है. राइट साइड में मैप के बगल में टाइम चल रहा है तो इसके लिए आपको 4 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली मिलेंगे, 3.5 मिनट्स. एंड ए सप्लाई बॉक्स खोल के आपको टैक्टिकल बूस्ट मिलेगा, ये भी आपको कलेक्ट करना है. सप्लाई बॉक्स ओपन करते रहिए, टैक्टिकल बूस्ट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा टैक्टिकल बूस्ट मिलेगा उतने आपको इवेंट पॉइंट्स और ज़्यादा मिलेंगे. फॉर एग्जांपल 10% बूस्ट मिलता है तो 200 पॉइंट्स का 10% 20, आपको एक किल पे 220 पॉइंट्स मिलेंगे. तो जितना ज़्यादा बूस्ट ग्रो करोगे उतना ज़्यादा आपके पॉइंट्स ग्रो होते रहेंगे. ये मैप पे मुझे दिखा रहा है झंडा 50 मीटर्स के आसपास, तो मैं उसकी तरफ भाग कर जाऊँगा एंड उसको सिक्योर कर लूँगा. सिर्फ इतना ही करना है इस कॉन्ट्रैक्ट में. जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो आप नेक्स्ट पोजीशन पर जाइए, नेक्स्ट रिकॉन कॉन्ट्रैक्ट ढूंढिए और उसको कंप्लीट करिए. तो एक मैच में लगभग 2 या 3 ही हो पाते हैं अगर एनिमीज़ ज़्यादा हैं, एनिमीज़ आसपास आते हैं तो, और एनिमीज़ भी आप मारेंगे तो हो जाएगा. थर्ड आपको क्या करना है, किसी भी व्हीकल से ट्रैवल करना है. 250 मीटर्स ट्रैवल करने पर 100 पॉइंट्स हैं. तो किसी भी व्हीकल से आपको ट्रैवल करना है, अगर आप भाग के ये सब कंप्लीट करेंगे इधर उधर भागते रहेंगे तो वो काउंट नहीं होगा. ट्रैवल बाय एनी व्हीकल. तो ये तीन चीज़ें करने से आप इवेंट पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं. फर्स्ट 2 वीक्स में हमको 24 पॉइंट्स मिले थे. ये इवेंट स्टोर के जो पॉइंट्स हैं जिससे हमने कैरेक्टर परचेज करा है, कैरेक्टर की कॉस्ट 25 पॉइंट्स है. पहले 2 वीक में हमें टोटल 24 पॉइंट्स मिले थे, इस वीक में हमारे पास टोटल 18 पॉइंट्स और मिलेंगे हमको. तो आप लोग उसको ग्राइंड कर सकते हैं एंड और भी आइटम्स हैं उसमें, व्हीकल की स्किन्स है, कॉलिंग कार्ड है एंड दिस ऑल थिंग्स आर देयर इन द इवेंट स्टोर. बट मेन वाज द कैरेक्टर एंड सम गन्स आर देयर बिकॉज ये थोड़ा पे टू विन टाइप का गेम भी है. जो नए प्लेयर्स हैं उनके पास अटैचमेंट्स अनलॉक नहीं है तो हमको सारी गन से खेल के अटैचमेंट अनलॉक करना है. और कॉडेम की तरह भी नहीं है ये, कॉडेम में कि आप जिस वेपन से खेलोगे उसके सारे अटैचमेंट अनलॉक होंगे, इसमें ऐसा नहीं है. इसमें कुछ अटैचमेंट अनलॉक होंगे उसके बाद आपको और भी वेपन यूज़ करके
उसके बाकी अटैचमेंट अनलॉक करने, तो थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, नोबडी नोज, बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ गेम विच इज स्ट्रीम्ड ऑनलाइन वाइल प्लेइंग। इसका मतलब क्या है कि जो ये जो गेम है ये स्ट्रीम होता है, जो ओरिजिनल गेम है जो कॉन्सोल में और पीसी में लोग डाउनलोड करके खेलते हैं, वो गेम लगभग 80 से 150 जीबी के बीच में रहता है। मुझे किसी ने कमेंट्स में बताया था, चैट में भी बताया था जब मैं ऑनलाइन आया था, कि 150 जीबी के आसपास है ये गेम पीसी में। तो इतना बड़ा गेम मोबाइल में रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये गेम क्या है, आपका नेटवर्क जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको ये दिखेगा। मैं करंटली जियो एयर फाइबर से खेलता हूँ 30 Mbps स्पीड पर, एंड ऑनलाइन स्ट्रीम करते हुए भी खेलता हूँ। तो जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो मेरा स्ट्रीम में भी नेटवर्क यूज़ हो रहा है, तो तब मेरा गेम थोड़ा लैग करता है। बट मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग करके खेलता हूँ तो गेम नॉर्मली चलता है। सिर्फ डिवाइस हीटअप बहुत करता है, तो उसके लिए अभी अपडेट्स आएंगे और ये गेम और ऑप्टिमाइज होगा। तो एक ये नया तरीके का गेम है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जो लोग वॉरजोन मोबाइल खेलते हैं या पसंद करते हैं गेम, आप बने रहिए। अभी ये गेम जस्ट नया नया आया है, तो इसमें और ऑप्टिमाइजेशंस आएंगे, टीम इसकी काम करेगी गेम पर, तब देखते हैं ये गेम कैसा लगता है आगे। मुझे अभी फ़िलहाल ये गेम खेलने में मज़ा आता है, बट इसमें मैं ग्राइंड नहीं करता जैसे कॉडम में मेरा वेपन ग्राइंड करने का मन करता है। इस गेम में ग्राइंड करने का बिल्कुल मन नहीं करता मेरा, क्योंकि दो तीन मैच खेलने के बाद डिवाइस बहुत हीटअप हो जाता है एंड लैग होता है, तो फिर खेलने का मन नहीं करता गेम। तो लेट अस सी हाउ दिस गेम विल वर्क इन द फ्यूचर। So I hope you like the video. If you like the video, please drop a like. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्री है सब्सक्राइब करना, एंड इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। अगर आपको कोई फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट में डालें फीडबैक अपना, तो मैं फ्यूचर में वीडियोज़ में इंफॉर्मेशन आपको और प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। Make sure to like, subscribe and share this video with your friends who play Warzone Mobile. तो आप सब ये करेक्टर अनलॉक करिए और मज़े लीजिए, and I will see you in my next video or next stream. Till then take care, bye bye, have a nice day.